अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेन एंड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मदन झांझट गुरुवार को नीमच दौरे पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष के नीमच आगमन पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझट और जिला अध्यक्ष सदस्यों के साथ नगर पालिका पहुंचे और सीएमओ से पेराई से विभिन्न मांगों को समस्या के संदर्भ में चर्चा की। नगर पालिका सीएमओ के साथ प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की करीब डेढ़ घंटे तक चर्चा चली। इस दौरान सीएमओ को 12 सूत्री मांग पर भी पत्र सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि सभी स्थायी अस्थायी जन सेवक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। वे नियमित कर्मचारी को शासन के आदेश के पश्चात भी स्थायी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं लिया जा रहा है, जबकि नए पदों के सेटअप के अनुसार नगर पालिका नीमच में शासन द्वारा 110 स्थायी पद स्वीकृत कर दिए गए। शासन के आदेश के पश्चात भी वर्तमान तक 7वें वेतन आयोग की 75% किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। उक्त राशि सभी कर्मचारी के खाते में जमा करवाई जाए। नगर पालिका में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश में देते हुए शोषण किया जा रहा है, इन्हें भी साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नगर पालिका के जन सेवकों को आवासीय भूखंड भी दिया जाए। ऐसी कई मांगे हैं जिनका अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन द्वारा मांग पत्र में जिक्र किया गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष मदन झांझट अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72 का 10 संभाग 52 जिले 377 नगर पालिका 312 विकास खंडों में दौरे निरंतर कर रहा हूँ। जो नगर पालिका निगमों में सत्ता इधारों की समस्याएं होने के लिए हम खुद से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूर्व में भी सरकार के अंदर विधानसभा घेरी थी, फिर हड़ताल की थी, फिर हमें कुछ मिला कुछ नहीं मिला, फिर सरकार चली गई, फिर सरकार हुई। तो इस तरह से हमारा ये निरंतर दौरे जो चल रहा है, हम कोरोना फिर लड़ने जा रहे हैं। जो समस्याएं यहाँ की स्थानीय हैं उसमें यही है कि यहाँ पे मकान का मालिकाना हक नहीं देना और पढ़े लिखे बच्चों को अपनी पोस्टों पे ना बिठाना। दूसरे कोई शर्मा जी का प्रकरण आया है, वो शर्मा जी बाबू हैं, उनके खिलाफ हमने बोल दिया यदि शर्मा जी का डिपार्ट चेंज नहीं किया, उनको नहीं हटाया, एच ओ बने हुए जो, तो नहीं हम धरना आंदोलन सरकार में बाद में करेंगे, पहले नीमच में करेंगे। ये आपके माध्यम से शर्मा जी को बोल देना चाहते हैं। बाकी हमारी विस्तार के बिंदुओं पर चर्चा हुई है, उस चर्चा में हमारे सीएमओ साहब बैठे थे, उन्होंने जो भी बातें हैं करने संतोषजनक जवाब दिए, जो होना है वो हो जाएंगी, वो जो नहीं होना शासन स्तर पर शासन से करेंगे। ये आज का मुद्दा है, लेकिन हमारा आज यहाँ आने का मुद्दा जो है मैं निरंतर दौरे कर रहा हूँ 10 संभाग के, पूरी तहसीले जिले और विधानसभा और सीमाओं घेरने की तैयारियाँ में, क्योंकि हमने 14 में भी तैयारी की लड़ाई लड़ी, 17 में लड़ी, फिर हमने 19 में लड़ी और अब 21 में पुनः फिर लड़ने जा रहा हूँ सफाईदारों की जो मांग है, ठेका पिटता समाप्त करना, अनुकंपा नियुक्ति देना, स्वेच्छा सेवा निवृत्ति देना, पति पत्नी जो मर जाते हैं आपको मालूम है कि उसमें अनुकंपा नियुक्ति बंद कर दी, लेकिन हमारे नियम को शिथिल करके सफाईदार को उसको हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें वो अनुकंपा नियुक्ति। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।